हेलो भाई, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, हम खड़े हैं यहाँ पे अपना औरंगाबाद से 30 किलोमीटर पीछे। तो ये होटल है अपना, पंजाबी होटल, यहाँ पे खड़े हैं। अभी चाय शाय पियेंगे तो यहाँ से निकलेंगे औरंगाबाद होके, फिर अपना पंजाबी होटल है, बटल पंजाबी होटल है ये, तो रोपड़ के है ये। दिखाते हैं आपको होटल पूरा, बटल पंजाबी होटल है ये। बाहर वाली साइड से जब आओगे उस साइड से शोलापुर वाले रोड पे, तो बहुत बड़ा खंडा लगा हुआ है बाहर इस साइड में, वो सामने रात को लाइट होती है इसमें। और ये कुआं देखो, गाइस ये देखो कितना प्यारा है, ये पिट बुल, बहुत प्यारा कलर है ये। ये पी रहे हमारे गाइस, ये चाय चाय चल रही है, चाय के साथ बिस्कुट। और भी कुछ लेना नहीं, कि सिर्फ बिस्कुट ही चलेंगे। कब्बू तू लेना कुछ, और कुछ नहीं, तू पार्ले जी लेना है, दिखा तेन। गाइस भैया को हमने पूछा इसका नाम क्या रखा है, भैया बोलते इसका नाम रखा है मोदी मोदी मोदी। वो देख क्या देखता है, ये होटल का मोदी है, मोदी गुल परवा ज्यादा वफादार होंगे ये। गाड़ी आ गए अपनी दूसरी वाली, सुबह के 5:30 हुए हैं। मौसम देख सकते हो आप, और ये नज़ारा देख सकते हो आप इधर का, कितनी बढ़िया नज़ारा है, पहाड़ी एरिया सारा। शाम को बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम हो जाता है। बस जैसे ही 9-10 बजते हैं ना, बस फिर इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे, क्या बताएं आप। ये औरंगाबाद से पीछे टोल है, तो यहाँ से भी एक रास्ता जाता है इस साइड से, हम घुमाएंगे गाड़ी वापस, तो फिर निकलेंगे चलेंगे यहाँ से, घुमा के उस साइड में जाएंगे। दिखाते हैं आपको, गाड़ी हमने वो पुल के नीचे से निकलेंगे वहां से अंदर राइट को, शोलापुर वाला रास्ता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं नासिक से पीछे, पूना हाईवे पे खड़े हम, तो कल गाड़ी खाली होगी हमारी, ये लगा दी हमने पंप पे गाड़ी, HP पंप है यहाँ पे लगाई है गाड़ी, तो सुबह देखेंगे, बोलता सुबह खाली होगी, सुबह लगाएंगे फोन उसको, सुबह बताएगा कितने बजे खाली होगी। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, आगे होटल छोटल तो कोई मिला नहीं हमें, साइड पे थे पीछे पहले, अब आगे क्या पता है कि नहीं है, तो इसलिए यहीं पे हमने खड़ी कर ली है गाड़ी दोनों, तो अभी यहाँ पे रात को यहीं पे रुकेंगे, पंप है, सेफ है गाड़ी। गाइस देखो कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे, और अंदर पानी आ रहा है, नासिक में खड़े हैं आपको पता है, तो आए तो खाली नहीं होगी, बारिश बंद होगी कल, तो कल ही खाली होगी गाड़ी। ये मौसम ठंडा हो गया, बहुत गर्मी थी यहाँ पे, ये दोनों अंदर उसमें बारिश दोनों साइड से कितनी आ रही है, शीशे चलाने पड़ेंगे, सारी सीट गीली होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। गाइस देखो मौसम कितना बढ़िया हो गया, बारिश होके हटी अभी, तो छोटी छोटी वैसे फूल पड़ रही है अभी, एक बार करते हैं फोन उसको दोबारा, पार्टी वाले को क्या बोलता है, बारिश तो रुकती है वैसे, अगर खाली करता है तो करवाते हैं। देखो अभी चले हैं,
थोड़ा बाजार देखते हैं यहाँ पे जो सब्जी वगैरह मिलती है तो लाते हैं, खाना खुना बनाना अभी। ये खड़ी है अपनी गाड़ी दोनों, मौसम देखो ऊपर कितना बढ़िया लग रहा है। अभी बारिश फिर से आएगी मेरे हिसाब से। आए हुए थे चाय पीने यहाँ पे, चाय को बहुत बढ़िया मस्त चाय बनाई थी भाई ने, दो दो कप चाय पी हमने। और ये लिया आमले की खट्टी मीठी गोली हमने। अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास, बारिश लगती है छोटी छोटी, हाईवे के ऊपर खड़े हैं। ये पीछे चाय का सामने पंप है, दिखाते हैं आप, सामने पंप है और ये दुकान है सामने, बहुत बढ़िया कूलर चाय भी मिलती है यहाँ पे, सब कुछ मिलता है। बाहर जा रहे हैं, अभी गाड़ियाँ आ रही हैं हाईवे पे। आ जा बड़ा स्लो मत हुआ भाई, ऐसे घूम रहे हैं अभी बाहर बारिश में। नासिक हाईवे पे खड़े हम, नासिक समझो जहाँ से नासिक ही है समझो, आगे मेन हाईवे है यहाँ से, एक दो किलोमीटर हाईवे है, तो गाड़ी लगाने का जगह नहीं था कहीं पर, पार्किंग वगैरह वगैरह इधर तो दिखी है हमें, अभी तो हमने हाईवे के ऊपर ही लगाई है गाड़ी दोनों। तो सुबह यहाँ से 6 बजे निकलेंगे, जाके जहाँ पे खाली करनी है वहाँ पे खाली पूरी करेंगे। गाइस सुबह हो चुकी है अभी, तो ये साथ में ही यहाँ पे गाड़ी लगाई है हमने, गुरुद्वारा है तो ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन ही बोलते हैं जगह का नाम, स्टेशन है। अरे हम खाली कर रहे हैं गाड़ी, तो ये भैया बैठे हैं बीच में, लेके जा रहे हैं गाड़ी, आगे खाली होगी यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये रोड है, उस रोड से सीधा नो एंट्री होती है, फिर भैया ने अंदर से आता है रोड जो मेन हाईवे पे निकलता है उस रोड से लाया है, तो अभी जा रहे हैं हम। ये सामने रोड है, आ चुके हैं यहाँ पे खाली करनी है। आप गली देख सकते हो कितनी छोटी छोटी गली है यहाँ पे, पहले तो आगे जेसीबी खराब हुआ था वहाँ से निकाली है बहुत मुश्किल से गाड़ी। ये देखो रास्ते में गाड़ियाँ लगाई हुई है इन्होंने, जा रहे हैं अभी, ये काम लगा हुआ है बिल्डिंग का। ये होगी खाली, ये है बिल्डिंग, गाड़ी चल रही है यहाँ पे अंडरग्राउंड। यहाँ पे होगी खाली गाड़ी हमारी, ये बिल्डिंग का काम लगा हुआ है, ये देख सकते हो नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग वगैरह बनती है, और ऊपर ये फ्लैट वगैरह बनते हैं यहाँ पे नासिक में, यहाँ पे खाली कर रहे हैं। और सरिया देखो कितना मोटा लगता है, यहाँ पे टाइल वगैरह सब कुछ पड़ी है। यहाँ पे होगी खाली गाड़ी हमारी, साबी खोलेगा रस्सा, त्रिपाल कर देगा कमाल, चल भाई साबी। ये है गड़ाऊ, यहाँ पे करेंगे खाली, चारों तरफ बिल्डिंग है ही बिल्डिंग है यहाँ पे, देख सकते हो। जय चाचा क्या हाल है चाचा, स्कूटी का चाचा, इस साइड में भी रस्सा त्रिपाल उठाएंगे। अभी जगह खोल दिया हमने रस्सा त्रिपाल, खींचो पर रस्सा रहने देना, नहीं रस्सा फिर मारना पड़ना ही। नासिक की सिटी का रोड है सारा, ये दोनों साइड में, पर देखो ये पेड़ कितने नीचे हैं, ये लेफ्ट को, हाँ लेफ्ट को जाना हमें। नासिक के इंडस्ट्री एरिया में हम पहुंच चुके हैं, ये सारा इंडस्ट्री एरिया है, देख सकते हो आप इस साइड में भी। ये इंडस्ट्री एरिया में हम पहुंचे हैं, तो आधी गाड़ी खाली हुई थी वहाँ पे हमारी, आधी इस साइड में खाली होगी इंडस्ट्री एरिया में, जा रहे हैं अभी, आधी यहाँ पे खाली होगी। अभी देखो कितना भैया यहाँ से और, अभी 2 किलोमीटर और जाना भैया बोल रहे हैं, अभी 2 किलोमीटर के बाद ये अपना खाली हो जाएगी गाड़ी पूरी। तो कल हमने अगरतला के लिए बुक की है गाड़ी, अगरतला के लिए बोला दलजीत भाई को, भाई लगा देना गाड़ी, बोला ठीक है लगा देंगे अगरतला। भाड़ा पूरा तो कमती हो गया, 10,000 98,500 बोल रहे थे भैया।
आने वाला रास्ता जहाँ पे खाली करनी है हमने, यहाँ से अंदर लेनी पड़ेगी गाड़ी। ये रास्ते पेड़ देखो कितने लगे हुए हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। ग्रीन टी अपना ट्री यहाँ पे है, ग्रीन ट्री कितने हैं ये देखो। अच्छा अच्छा इनमें खाना जाता है। अच्छा ये लगे हुए थे ना जो ऑटो वगैरह, इनमें भैया बोलते हैं खाना जाता है प्लाटों में, बड़े बड़े प्लांटों में जब जहाँ पे काम लगे हुए, जैसे बिल्डिंग वहाँ बन रही थी हमने खाली की आधी गाड़ी, ऐसे ऐसी जगहों में जाता है। दूसरे पॉइंट में आए हुए हैं यहाँ पे, ये आधी गाड़ी यहाँ पे खाली होगी, 290 बैग यहाँ पे खाली होंगी। ये खड़ी है गाड़ी, आपको पता ही है सीमेंट का, जैसे हमारे जम्मू में भी इधर आधी खाली की आधी वहाँ पे की, ऐसे ही यहाँ पे काम है। गाइस देखो कैसे यहाँ से निकलता है मलबा, इसमें जाता है यहाँ से आगे, फिर पाइप में जाता है सीधा वहाँ पे आगे, पाइप से सीधा यहाँ पे होगी खाली। दूसरा पॉइंट हमारा वहाँ पे लगाएंगे गाड़ी, ये गाड़ी निकलेगी तो फिर जाके दूसरी गाड़ी लगेगी। फाइनली यहाँ पे होगी खाली हमारी गाड़ी, और ये यहाँ पे लगाई है हमने लास्ट, घुमा के बैग लगाई है, तो यहीं पे उतरेगा सीमेंट सारा।